आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन जिन्होंने हमें दी थी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई हूँ, नाम एक्चुअली मैं भूली नहीं, मैंने सेव किया था लेकिन पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया, बट जिन्होंने भी ये वीडियो हमें सजेस्ट की थी प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अब टाइटल बताएंगे, मौसम टाइटल है शक्तिमान द किंग ऑफ इंडियन सुपर हीरोज थानोस एपिक एक्शन एनिमेशन वीडियो। वेल देख लेते हैं शक्तिमान, क्योंकि बचपन का शक्तिमान और अभी का शक्तिमान में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो शक्तिमान शक्तिमान। Okay, planet. Iron Man. ये थानोस। Okay. I don't care why you are here.
to leave this planet. Because I can't control my anger for a more than a minute. When my people are in jeopardy. पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा एनिमेशन की कि इन्होंने हमारे बचपन के जो सुपर हीरो थे उनकी इतनी अच्छी छवि जो है बनाकर हमें दिखाई। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया, और मैं अगेन पहले बता चुकी हूँ कि मैं उनका नाम लेना भूले क्योंकि इतना मजा आया देखने का। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि किस तरीके से उन्होंने, मतलब जो हमारे बाकी में चाइल्डहुड हीरो हैं, उनको कैसे मॉडर्न टाइम में यूटिलाइज किया और एक एनिमेटेड मूवी बनाई। और मतलब सबसे अच्छी चीज पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हम
लोग हमेशा जो फॉरेन कंट्रीज की मूवीज देखते हैं उनके जो सुपर हीरोज हैं उनको बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और हमारे यू नो कहीं ना कहीं पर वो करेक्टर बड़े फेवरेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी में जो आपके अपने हीरोज हैं आपको उनको भी ऐसे ही प्रमोट करना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो एक वक्त था कि अभी तो खैर पाकिस्तान में कोई इस चीज की तरफ इतना रुझान नहीं है सुपर हीरोज की तरफ, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है बहुत लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो सुपर हीरोज पे मूवीज बनती हैं। जैसे हमने फ्लाइंग जट देखी है, हमने कृष देखी है, रोबोट देखी है, रावण देखी है, तो काफी ज्यादा वहां पे आपको सीरीज देखने मिलेगी जिसमें उसमें सुपर हीरोज दिखाए हुए हैं। लेकिन नो डाउट अगर ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं हॉलीवुड के तो उनके जो सुपर हीरोज हैं उन्हें हम बहुत ज्यादा वो करते हैं पसंद। बिल्कुल नहीं, पर मौजम मुझे इसकी एक रीजन ये भी है ना कि हम लोग का माइंडसेट कुछ इस तरह बना हुआ है कि हम लोग अपनी चीजों को थोड़ा कम अप्रिशिएट करते हैं और हम उनकी तुलना करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर शक्तिमान आया था उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई पता नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इंग्लिश मूवीज इतनी ज्यादा नहीं देखती कि हॉलीवुड में कभी कोई ऐसा करेक्टर मतलब देखा। और अगर मे भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐसी वीडियोज में भी देखी है कि वो बहुत सारी चीजों को तो यहाँ से ही कॉपी करते हैं, लेकिन ये कि मतलब जो बेसिक नॉलेज होता है वो यहाँ से ही वो लोग लेते हैं। मैं अगर बात करूँ सुपर हीरोज की ना, तो खैर जब शक्तिमान लगता था तो हमें वो सुपर हीरो तो नहीं थे लगते उस टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं था उसमें सुपर हीरो होते हुए क्या है, लेकिन वो हमें रक्षक लगते थे। और उस टाइम अगर देखा जाए तो एक दो कार्टून्स भी ऐसे लगते थे, सुपरमैन लगते थे, फिर उसके बाद वो कैप्टन प्लेनेट वाले जो एक याद आया, हाँ तो इस तरह कार्टून्स भी लगते थे। लेकिन नो डाउट जैसे हम बात करें तो हमने जो है ना शुरू से अपने यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन वाले चीजें हैं उन्हें हमने अंडर एस्टिमेट किया है हमेशा, हम उन्हें उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम हॉलीवुड को देखते हैं। अगर बात की जाए तो क्रिश अगर सीरीज देखी जाए तो क्रिश सीरीज बहुत अच्छी है। उसके उसके अलावा अगर हम बात करें रोबोट मूवी की बात करें, रावण की बात करें, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें VFX इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। असल में मुझे लगता है कि जब हम अपनी वीडियोस देखते हैं या एनिमेशन देखते हैं ना, हम उसमें या कोई स्टोरी लाइन देखते हैं, हम उसमें ना लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यही अगर चीजें हम लोग दूसरे बाहर की कंट्रीज की देखें जैसे हॉलीवुड की देखें तो हम उसमें कहते हैं नहीं नहीं ये सब रियल में चीजें होंगी और इस तरह से होती है। मैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहती, और बहुत अच्छी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि हमें अपने लोगों को अपनी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। वेल मौसम की बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं है इतना ज्यादा एनिमेशन की तरफ, या मैंने इतना ज्यादा काम नहीं देखा एनिमेशन में, यानी यू नो इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैं अभी ये देख रही थी और मुझे सच में इतना मजा आ रहा था कि जैसे ही वो शक्तिमान आते हैं और एक तो उनकी रिजेम्बलेंस और पीछे से तिरंगा और यू नो आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक कपड़े वो ही वाले और पता नहीं वो जैसे शक्तिमान आगे से खड़े हो जाते थे वो वाला एक फील आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें क्योंकि हमारी बचपन की जो फीलिंग्स है ना वो उनके साथ कनेक्ट है, हमने क्योंकि बचपन में उन्हें देखा हुआ है। हाँ अगर हमने ना देखा होता फिर हमें बिल्कुल भी ना पता होता, हम कहते कि भाई शक्तिमान बस एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि हमने बचपन में उन्हें देखा हुआ है जिस तरह वो क्राइम से लड़ते थे, लोगों को वो यानी करते थे, हाँ बुराई के साथ करते थे, तो वो हमें अभी तक याद है। फिर उसके बाद यादों की बात करें ना तो वो तो बेतहाशा जिस तरह हम ये जो है ड्रामा देखने के लिए मेहनत करते थे केबल आने से पहले की, मैं एग्जैक्टली यही बात बोलने लगी थी कि हम लोगों की मेहनत जितनी होती थी ना इन ड्रामों को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा मतलब एक एसोसिएशन रहती है, आपको वो एफर्ट्स याद रहते हैं कि किस तरीके से एंटीना ऊपर जाकर घुमाना, अच्छा अब आ रहा है आ रहा कि नहीं आ रहा, फिर जैसे एंटीना घुमा रहे हो ना नीचे वाले जल्दी करो तुम्हें पता है टाइम होने वाला है, इतने मिनट रह गए हैं। एक और चीज हुआ करती थी उस टाइम पर, क्योंकि हमारे घर में कलर टीवी हुआ करता था और हमारे नेबर में ना उनके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, और हम मुझे नहीं ये समझ में आता कि क्या रीजन है कि हमारे टीवी पर इतना ज्यादा वो नहीं आता था, मतलब इंडिया का ना क्लियर नहीं आता था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर तो इतना अच्छा क्लियर आया करता था ना, तो हम लोग क्या करते थे दीवार पे छत की दीवार के साथ खड़े होकर ना उनके घर में ऐसे ऊपर टीवी देखा करते थे जब ये वाले प्रोग्राम आया करते थे जब हमारा क्लियर नहीं आता था, क्योंकि हमारे घर में शुरू से सोनी का टीवी हुआ करता था, मुझे याद है बड़ा सा बॉक्स था, हाँ वो सोनी का था, लकड़ी वाला लेकिन अगर हम बात करें एनिमेशन की तो जिस तरीके से उन्होंने
एक स्टोरी बनाई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि किस तरीके से उन्होंने जो एवेंजर्स के करेक्टर हैं उनके साथ यू नो मिक्स करके एक शक्तिमान की स्टोरी बनाई, तो मतलब मुझे काफी ज्यादा मजा आया। हालांकि मैंने एवेंजर्स की मूवी जो जितनी भी सीरीज है मैंने कोई इतनी खास नहीं देखी हुई, बीच बीच में शायद कोई क्लिप्स वगैरह देखे, अदरवाइज मुझे कोई इतना ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। मैं अगर यहाँ पे, वैसे तो मैंने एवेंजर्स पूरी सीरीज देखी है, लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो कल रात को भी मेरी दोस्त से इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। मैं उसे कह रहा था कि जो इंडियन वेब सीरीज देखने का मजा आता है ना, वो आपको हॉलीवुड की जो या बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड की या अंग्रेजों की जो भी वेब सीरीज आती है ना किसी मुल्क की, वो देखने का मजा नहीं आता, क्योंकि एक कनेक्टिविटी होती है आपकी यहाँ के लोगों के साथ। और दूसरा भी मैंने सेव चीज, मैं पाकिस्तानी अगर वेब सीरीज की बात करें तो वो सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घूमती रहती है, घर घरेलू मसाइल बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ वो वैसे वो बैन तो दूर की बात है, वो तो पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई है तो वहां पे आती ही नहीं है। प्लेटफॉर्म देखा है मैंने रिसेंटली, उर्दू फ्लिक्स वही ना, उसपे अगर उर्दू फ्लिक्स पे भी आपको सीरीज कंटेंट नहीं है, वही बात है। अब जैसे अगर हम बात करें चुड़ैल्स की, चुड़ैल्स वाकई क्वालिटी कंटेंट था उसमें, जो माशरे की थोड़ी बहुत वो डबल स्टैंडर्ड थे ना वो दिखाए हुए थे, लेकिन उसका क्या हुआ था कि शुरू में तो बैन उस पर लग गया, लेकिन बाद में उस पर बैन उठा लिया गया था, काफी क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, बिल्कुल भी बैन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की मूवीज देख देख कर और इंडियन कंटेंट वेब सीरीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर देख देख कर इतना ज्यादा वो एक लेवल आपने रेज कर लिया हुआ है ना कंटेंट देखने का, कि जब आप थोड़ा सा यू नो ऐसे नॉर्मल सा देखते हो ना तो आपको उस तरह मजा नहीं आता। इंडियन कंटेंट आप जब मतलब स्पेशली मैं बात करूंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जब आप उस पर देखते हो वेब सीरीज देखते हो, आई मीन आप एक पहला एपिसोड देते हो और उसके बाद आपका मन करता है आप सारे जल्दी से खत्म कर दो, इतना मजा आता है, आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व। बिल्कुल मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें कि हम इंडियन जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो है कंटेंट देखते हैं ना, उसमें हर कंटेंट में आपको एक डिफरेंट स्टोरी मिलेगी जिसमें आपके माशरे की कोई ना कोई प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया होगा। लेकिन जब हम पाकिस्तानी कंटेंट को देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, वरना मोस्टली क्या चीज वही सास बहू की लड़ाइयां, नाने भाभियां सारे एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करती फिर रही हैं और बस कुछ मुझे नहीं। लगता है इससे बाहर निकलना चाहिए, और भी चीजें बहुत सारी हैं दिखाने के लिए आपको, इवन के ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर कर सकते हो बहुत सारी चीजों से कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं या हमारी सोसाइटी में किस तरीके के लोग हैं। और जहां पर इंग्लिश कंटेंट की अगर हम बात करें तो अगेन मैं ये कहूंगी कि जैसे मैं इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ मैं आपको कनेक्टेड फील नहीं करती, इसी तरीके से मैंने तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई वेब सीरीज इंग्लिश देखी भी हो, मौजम ने तो अभी लास्ट टाइम पर देखी है बट मैंने कोई नहीं देखी। और पता नहीं क्यों मेरा कभी ना वो एक होता ना आपका मन करता देखने को, मेरा कभी मन ही नहीं किया कि मैं देखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं देखूंगी भी ना तो मुझे मैं कभी कनेक्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स शायद या उनका बनाने का तरीका और हमारे लोग और हमारे बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ। असल में बात बता क्या, अगर उनकी वेब सीरीज भी आप देखना तो मोस्टली वो जो है फैंटेसी टाइप होती है कि भाई ये बस जो है ना काल्पनिक दुनिया में चीजें हो सकती हैं, रियल से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ की जब देखते हैं ना तो उनके साथ एक कनेक्शन है हमारा, क्योंकि सेम मसाइल हम फेस कर रहे हैं। नो डाउट जो अंग्रेजों की हम वेब सीरीज देखते हैं उसमें वो जो टेक्नोलॉजी दिखाते हैं कुछ अरसे बाद वो आपके सामने भी रियल सर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डेवलपमेंट से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है ना। नहीं यार क्यों नहीं, मन करता है हमारा भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छा अच्छा हो सारा, सही बात है। हाँ मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि एक हम लोग एक जो हमारे यहाँ के लोग ना उनका एक सोच और यू नो मिजाज डिफरेंट है, हमारा एक कल्चर डिफरेंट है, तो हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सही बात है। वेल गाइस ये तो हंसी मजाक हमारी चलती रहेगी, अदरवाइज जिन लोगों को इंग्लिश कंटेंट अच्छा लगता है ये आपके अपने अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है, आपको वो जो साइंस की मूवीज हैं उससे रिलेटेड देखनी है या यू नो अगर आपको जैसे मुझे वैसे सोशल इश्यूज को देखना काफी अच्छा लगता है तो मैं ज्यादा वही प्रेफर करती हूँ, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्योंकि आई थिंक हर कोई नॉस्टैल्जिक हो गया होगा इसको देखकर। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।